तरीके से कह सकते हैं जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, ठीक है। बहुत से काम ऐसे हैं जो फौरी तौर पर उठ के नहीं कर सकते। ओके, इट्स ओके, वी शुड इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी इन आवर होम्स। हम अपने घरों में इसको इम्प्लीमेंट करें, और ठीक है, बहुत से काम ऐसे हैं जो उनको उठ के करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सेंसर्स नोट करेंगे चीज़ों को, डेटा को ट्रिगर करेंगे, डेटा को लेंगे, एक्विजिशन हुए डेटा को गेट करेंगे, और उसके बाद जो आप इक्वेटर है उसको आप ट्रिगर करेंगे कि जी आप ये काम परफॉर्म कर लें। आपके उन हैंडलर्स को उठने की जरूरत नहीं है। या डिसेबल पीपल्स के ऊपर भी ये काम कर सकते हो कि अगर एक शख्स बेचारा चल ही नहीं सकता है तो ऑटोमेटिकली वो अप्लायंसेस खुद वर्क करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसके बाद है हमारे पास कमर्शियल एप्लीकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ केयर। तो बहुत सी जगहों पर ये मॉनिटरिंग डिवाइसेज लग चुकी हैं जो कि ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट रेट, इनको मॉनिटर कर रही होती हैं और ऑटोमेटिक कर रही होती हैं, और ये ट्रिगर करके आपके आपके आपकी जो पेशेंट की फाइल है उसमें या डॉक्टर्स को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ ट्रिगर हो चुकी है। दिस इज नोन एज दी EMR, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल एंड EMH, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वहाँ पे भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, ये स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल्स, कि ट्रैफिक के अंदर भी ये सिस्टम है कि जिस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको उसके सिग्नल पे टाइमिंग बढ़ा दिया जाए, जिस रोड के ऊपर कम ट्रैफिक फ्लो है उसके टाइमिंग ज़्यादा कर दी जाए, ऑटोमेटिकली आपके पास टाइमिंग होंगे। हमारे अगर किस वजह से ये नहीं है, हमारे क्या है, इक्वल टाइम दिया हुआ है, बेशक जहाँ पे हैवी ट्रैफिक जहाँ से आ रहा है उसको भी 30 सेकेंड है, और जहाँ पे कहीं है ही नहीं, इक्का दुक्का बाइक आ रही है उसको उन्होंने एक वो भी 30 सेकेंड दिया। तो दिस इज नॉट द थिंग, वो सेंसर उसी वक्त देखें कि हैवी ट्रैफिक किस तरफ से आ रहे हैं एंड देन मेक द डिसीजंस, ओपन डिसीजंस लें और अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर दें उसके हिसाब से। तो दीज आर दी ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द IoT। उसके बाद हम होम ऑटोमेशन की हम बात कर चुके हैं, इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑटोमेटिक हो चुका है। एक तो मैंने खुद इटसेल्फ अपना एक सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट किया था मैन्युफैक्चरिंग में, कि दैट मैं एक क्लाइंट था हमारा, मैं नाम ले लेता हूँ, मिडास सेफ्टी का, ये करते क्या थे, ये ग्लव्स बनाते थे, जो रबड़ के ग्लव्स होते हैं ना, जो अक्सर फीमेल्स अपने किचन में यूज़ करने के लिए भी पहनते हैं ग्लव्स, तो ये इम्पोर्ट क्वालिटी के बनाते थे और पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते थे, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, मटेरियल बहुत अच्छा था। तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता लगता कि हमारा प्रोडक्शन किस फेज में पहुंचा है। एक फेज से चलता है, लेट्स से उसको पहले ग्लव्स बनते हैं, पहले रॉ मटेरियल पिघलता है, उसके बाद ग्लव्स का एक शेप, उसके